दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं SY ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, व्हाट्सएप पे जब भी आप किसी को मैसेज करते हैं और जब वो मैसेज आपने जिसे किया वो रीड कर लेता है, आप रीड कर लेता है आपका मैसेज, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। जैसे मैंने अभी पूछा है, यहाँ पे जो दो ब्लू टिक दिखते हैं मैसेज के लास्ट में, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे ने जिसे आपने मैसेज किया है वो आपका मैसेज रीड कर लिया है। ये तो एडवांटेज हो गया कि हमें पता चल जाता है कि हमने जिसे मैसेज किया है उसने हमारा मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये भी हैं। मान लीजिए आपको किसी ने मैसेज किया और आप उस समय एट दैट टाइम आप बिज़ी हैं या फिर किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो जिसने आपको मैसेज किया है तो उसे कहीं ऐसा लगता है कि आपने उसे इग्नोर किया, आपने मैसेज नहीं किया, तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है कि यार मेरा मैसेज रीड किया और फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं और उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग के बाद आपको अकाउंट में जाना है, अकाउंट के बाद प्राइवेसी में, और नीचे दोस्तों आपको दिख रहा है रेड रिसिप्ट का ऑप्शन, यहाँ पे एक टिक है लगा हुआ है करेक्ट का और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से इसे डिसेबल कर देते हैं या वो टिक हटा देते हैं, तो अब जब भी आपको कोई मैसेज करेगा तो अगर आपने मैसेज रीड भी कर लिया है तब भी उसे पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज उसका रीड किया है कि नहीं। तो अगर आप मोस्टली ऐसा होता है आपके साथ कि आप मैसेज पढ़ लेते हैं और बाद में रिप्लाई करना पसंद करते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम आप बिजी रहते हैं, किसी को रिप्लाई करते हैं तो बाद में करते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हम